को निकाल दिया गया जो 15-15 सालों से काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और दुख की बात ये है कि उनके बाद इनको स्टाफ कैटेगरी से निकाल के सिविलियन कैटेगरी में डाला। तो हमने आज ऑल इंडिया एयरफोर्स स्कूल टीचर्स एसोसिएशन का जो आज गठन किया है, और जिसका मकसद है कि किसी भी स्कूल में अगर कोई भी किस्म का जो है कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है टीचर्स की या अदर स्टाफ की, तो उसकी आवाज़ को फॉर्मल तरीके से सामने रखा जाए। और साथ ही साथ हमारे जो एयरफोर्स स्कूल जम्मू में पुराने कुछ सालों से कुछ धांधलियाँ चल रही थी, जैसे 2019 की एक इंक्वायरी हुई थी उसको दबा दिया गया, जिसमें कुछ पता चला कि ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे, तो उसके चलते उनको बचाने के लिए उन्होंने पूरी इंक्वायरी को दबा दिया गया। तो हम चाहते हैं कि वो सार्वजनिक हो, और साथ ही साथ जो कुछ भी जो सेलेक्टिवली टारगेट किया गया उस वक्त जो टीचर ने सामने आकर बात रखी, तो उन पर कार्रवाई नहीं की जाए, टीचर्स को सुना जाए। आपने देखा कि मैंने डेरों आपको ऐसी कंप्लेंट्स बताई जिसका उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उस टीचर को तंग करना, परेशान करना, इस लेवल तक जो है वो बातें होना शुरू हुई। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जहाँ पर कोटेशंस लाने में उसकी लीकेज में धांधलियाँ होती हैं, टीचरों को इन्वॉल्व किया जाता है, उनसे जबरदस्ती साइन करवाए जाते हैं। हम चाहते हैं ये चीज़ें तो रोकी जाए, अगर टीचर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो पूरी ऑनेस्टी से लॉयल्टी से काम करें, जहाँ टीचर होगा वो गलत काम नहीं करेगा, हमें फोर्स नहीं किया जाए। हम पढ़ाने आते हैं, हमें पढ़ाई तक ही लिमिटेड रखा जाए, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा काम भी आप देते हैं तो उसको ऑनेस्टी से निभाने दिया जाए। आप किसी भी किस्म की कोई भी धांधली ना करें, चाहे वो CBSE की वॉयलेशन हो, कोविड के टाइम पे इन्होंने वॉयलेशन करी, ऐसे टाइम पे इन्होंने जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जबकि वहाँ पर एक टीचर को कोविड हो गया, लेकिन ये एग्ज़ाम कंटिन्यू रखते रहे, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। मैंने यहाँ पे 34 इयर्स हो गए अपनी सर्विस दी है, लेकिन इनके आने से पहले जब ये स्कूल था तो सब सीनियर टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट थी, जब से ये आई हैं तब से सीनियर टीचर्स की रिस्पेक्ट बिल्कुल जीरो कर दी है इन्होंने। हमें अगर ऑफिस में जाना है तो हमें बाहर खड़ा होना पड़ता था, जो इनके कुछ अपने चुनिंदा जो टीचर्स हैं जिनको ये पार्शियलिटी करती हैं, वो अभी जुम्मा अभी उनको साल नहीं हुआ, वो झट से अंदर बिना पूछे अंदर जाएंगी, और हमें बाहर खड़ा रखते थे कि आप बाहर खड़े रहो, अंदर हमें आने नहीं देते थे। हमें पहले एक घंटा हम बाहर वेट करते थे, फिर हमें अंदर बुलाते थे। ये इन्होंने सीनियर टीचर्स की रिस्पेक्ट करती हुई थी, और मेरे जाने के बाद भी इन्होंने ऐसा ही बर्ताव रखा। मेरी रिटायरमेंट में भी इन्होंने मुझे अच्छी तरह से कोई सेंड ऑफ नहीं दिया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो पहला स्कूल था, हम स्कूल के पिलर्स थे, हमने स्कूल को खड़ा किया। जब हम आए थे 5th तक स्कूल था, 12th तक स्कूल हुआ है, और ये हम लोगों की ही जो एफर्ट्स थी, पुराने टीचर्स की एफर्ट्स थी जिनसे ये स्कूल इतना बड़ा बना, 5th से लेके 12th तक आया, लेकिन इन्होंने हमारी एफर्ट्स को बिल्कुल जीरो कर दिया। इन्होंने हमारी एफर्ट्स को कभी नहीं इन्होंने देखा कि इन्होंने कुछ किया है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।